हेलो, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। अभी भी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और अभी भी काफ़ी पेन हो रहा है मेरे हाथों में और फिर बॉडी में पूरा काफ़ी पेन हो रहा है। अचानक से पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आया, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाथों में काफ़ी दाने निकल गए हैं, जो काफ़ी खुजली बचती रहती है, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। और बच्चों के भी स्कूल खुल चुके हैं, उनका एप्लीकेशन ख़त्म हो चुका है, स्कूल खुल चुके हैं, और अब जो आगे फाइनली एक ऑटो वाला मिला है जो छुट्टियों में बच्चों को ला सकता है, क्योंकि बहुत टेंशन हो जाती थी जब भी तबीयत ख़राब होती है, इनकी छुट्टियां लग जाती थी। तो फाइनली अब जाके एक ऑटो वाला मिला। तो चलिए आज क्या करते हैं। और ये मिली है मेरी पीहू से, हेलो करो। हेलो। और इन्हें बहुत सारा होमवर्क मिला है, ये अपना होमवर्क कर रही हैं। और पीहू तुम्हारी दूध रह गया, अपने फेवरेट ओरियो बिस्कुट। और इधर ऋषि, ऋषि अपने स्कूल का काम कर रही है और मैं इधर सुबह की तैयारी कर रही हूँ। मेरे बच्चों को ना मेरे हाथ का चाय बहुत पसंद है, मैंने देख के बनाया यूट्यूब से, और 2-3 साल हो गया खट्टा मीठा चाय है, और लौंजी है या छुंदा है। ये देखो हमारे कॉलोनी में 3-4 बंदर आ गए, जब हम वीडियो जाने का नहीं ले रहे हाँ। और वीडियो शूट कर रहे थे तभी अचानक से हाथ धो के पड़े। लो लो लो, सेल्फी ले लीजिए आप इन लोगों की। एक बहू भी बैठे टेंट के पीछे भी बैठी है, बेचारा वो घूर रहा है। सेल्फी ले लीजिए, पूरे पोज में बैठे हैं वो भी है। चाय सूखा चाय, इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन क्रश करके डाल दिया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मेरे बच्चों को घर का चाय बहुत पसंद आता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है, कभी कभी सही भी बन जाता है। फिलहाल इस बार आम के मैंने काफ़ी वैरायटीज़ डाल दी है, मेरे बच्चे काफ़ी खुश हैं। ये भी संडे तक रेडी हो जाएगा, थोड़ा सा रेडी हो गया है, बाकी संडे तक रेडी हो जाएगा ये भी।